नमस्कार, सत श्री अकाल देवियो सज्जनों, मैं अहमद हुसैन आप सबका खैर मकदम करता हूँ एएमयू किचन्स में। भाई छोले भटूरे, जिसे चना भटूरा भी कहा जाता है, लगभग पूरे भारत में पसंद किया जाने वाला सबसे लोकप्रिय पंजाबी व्यंजन है। छोले का मतलब मसालेदार चटनी, चने की सब्जी और भटूरा एक नर्म और फूली हुई तली हुई खमीरी रोटी। छोला भटूरा हमेशा स्वादिष्ट और पेट भरने वाला भोजन बनता है। कुछ जगहों पर करी बहुत मसालेदार होती है तो कुछ जगहों पर इसका स्वाद तीखा होता है। तो चलिए जाने ये छोले भटूरे आखिर बने तो कैसे बने। हमने छोला चना लिया है तकरीबन एक कप। इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से तकरीबन तीन बार तो धो ही लीजिए। और इसको ओवरनाइट भीगने के लिए रख दीजिए। ओवरनाइट नहीं तो कम से कम 8 घंटा तो रखिए ही रखिए। 8 घंटे बीत चुके हैं और हमारे चने ने अच्छा खासा सोख लिया है। तो चलिए अब हम अपना छोला बनाते हैं कुछ अलग स्टाइल से। छोलों को प्रेशर कुकर में डालिए और नॉर्मल कटी हुई 2 प्याज हमने इस्तेमाल की है। फिर हमने 2 मीडियम साइज के टमाटर इस्तेमाल किए हैं, 2 से 3 बारीक कटी हुई मिर्च, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 बड़ी इलायची, 2 तेज पत्ते, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक या कम ज्यादा। फिर हमने इस्तेमाल किया इसमें 2 कटोरे पानी। फिर इन सारी चीजों को मिक्स करिए और प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के चढ़ा दीजिए इंडक्शन चूल्हा या जो भी आपके पास है। पहली सीटी आने के बाद फ्लेम को लो कर दीजिए और 20 से 25 मिनट तक इन छोलों को पकाइए। ये देखिए हमारे छोले गल चुके हैं। अब इसको चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा दबाइए, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। ये देखिए हमारे छोले अच्छी तरह से गल गए हैं और अब इन छोलों का मसाला बनाते हैं। फ्राई पैन गर्म करिए और उसमें डालिए खड़ा धनिया 1 से 1.5 चम्मच, 1 चम्मच जीरा, 2 कश्मीरी लाल मिर्च, 12 से 15 काली मिर्च और कुछ बड़ी इलायची के दाने, 1 चम्मच ड्राई मैंगो पाउडर। और अब इन सारी चीजों को अच्छे से रोस्ट कर लीजिए। जब ये रोस्ट हो जाए तो इन सारी चीजों को पीस लीजिए, कुछ दरदरा सा पाउडर बना लीजिए। ये देखिए और ये पाउडर अब इन छोलों में मिला दीजिए और अब इन छोलों को और मसालेदार बनाने के लिए तैयार करते हैं एक सिंपल सा तड़का। फ्राई पैन में मस्टर्ड ऑयल हमने लिया, बराबर मात्रा में थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी हींग का इस्तेमाल किया। फिर इसमें डाली थोड़ी सी कसूरी मेथी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जो आपके तड़के को एक बहुत अच्छा रंग देगी। और तड़का तैयार हो जाने के बाद उन छोलों में मिला दीजिए। आपके छोले जबरदस्त तरीके से तैयार हो चुके हैं। इसे ढक कर रख दीजिए महज 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। और ये देखिए आपके छोले सर्व करने के लिए रेडी हैं। लेकिन वो छोले ही क्या जो भटूरे के बगैर खाए जाए। तो चलिए अब हम लोग भटूरे बनाने का भी प्रोसेस करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये स्वादिष्ट और मजेदार भटूरे बने तो कैसे बने। भटूरे बनाने के लिए हमने लिया है 2 कप मैदा, 1.5 कप सूजी यानी कि रवा, 1/2 चम्मच नमक या स्वाद अनुसार ऊपर नीचे कर सकते हैं, वो जो बाजार में इनो मिलता है ना उसका 1/2 चम्मच इसमें मिला दीजिए। साथ में हमने इस्तेमाल किया है 1/2 कटोरी दही और दही की ही मदद से हम लोग इस सारी बैटर को गूंद लेते हैं। जैसे आटा गूंदते हैं ना वैसे ही गूंद लीजिए। थोड़ा थोड़ा पानी का इस्तेमाल करिए और गूंदते रहिए। थोड़ी देर बाद आपका बैटर कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये देखिए आपका बैटर तैयार है भटूरे बनाने के लिए।
अगर आपको अपने भटूरे जबरदस्त बनाने हैं तो 1 से 1.5 घंटे का वक्त दीजिए इसका खमीर उठने के लिए। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद अब हम लोग भटूरे बनाते हैं। हाथ में जरा सा ऑयल अगर आप लगाएंगे ना तो ये भटूरे का बैटर आपके हाथ में चिपकेगा नहीं और गोल भटूरा आपका बनेगा। कढ़ाई चढ़ाइए और उसे गर्म करिए और खूब गर्म करिए। फिर उसमें इस्तेमाल कीजिए रिफाइंड ऑयल और रिफाइंड ऑयल कुछ ज्यादा इस्तेमाल होगा क्योंकि आपको भटूरे तलने हैं। अब भटूरे को गोल कैसे बनाना है ये तो प्रैक्टिस के ऊपर है। आप जितना अच्छा भटूरा गोल बनाएंगी भटूरा उतना ही अच्छा खिल के आएगा। हल्के हाथ से चम्मच से भटूरे के ऊपर ऑयल डालते रहिए और ये देखिए आपका भटूरा फूलने लगा है और जबरदस्त मार्केट की तरह दिखाई दे रहा है जैसे हम लोग 100-150 रुपए देकर खाते हैं। इसी तरीके से जितने भी भटूरे आपने बनाए हैं इसी ऑयल में बनेंगे और यकीन मानिए आपका ऑयल बच भी जाएगा। इतना ऑयल इस्तेमाल नहीं होगा लेकिन ऑयल हमने इसलिए ज्यादा इस्तेमाल करा था ताकि आपके भटूरे अच्छी तरह से उसके अंदर डूब जाएं। ये देखिए कितना नर्म और कितना स्वादिष्ट और कितना मजेदार भटूरा बना है आपके छोले के साथ खाने के लिए। और ये रहे आपके छोले और साथ में भटूरे। डिश के साथ साइड में कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च और नींबू के टुकड़े परोसे। ये पेट भरने वाला खाना है और इसे खाने के बाद आपको एक छोटी सी झपकी लेने का भी मन कर सकता है। तो चलिए हमें दीजिए इजाजत। अगली दफा कौन सा वीडियो हम लोग बनाए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमेंट करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम ऐसे वीडियो और भी आपके लिए बना सके। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।